नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह झारखंड टीजीटी, झारखंड जो सहायक प्रशिक्षित आचार्य की भर्ती निकली हुई है, उसका फॉर्म भी रीओपन हुआ है और रीओपन होने वाला है शायद। हाँ, अब बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे फिर से। ठीक है, तो अभी इसका जो परीक्षा है यह फरवरी में होगी। ठीक है, और इसमें झारखंड के जो लोग हैं वह लोग इसमें आवेदन फिर से देंगे। जो लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं फिर से आवेदन देंगे, लेकिन परीक्षा की जो तिथि है, नियत है, यह आपका फरवरी में इसका एग्जाम होगा। इसका जो परीक्षा है आपका फरवरी में होगा। सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। दरअसल मैं इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो भर्ती है उसमें इतिहास का जो सिलेबस है वह आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोगों को बताते हुए मुझे अपार खुशी खुशी का भी अनुभव हो रहा है कि इसके पहले इसी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है, झारखंड पीजीटी की बहुत ही धाकड़ क्लासें चली थी। इसको पूरा नोट्स आप लोग को झारखंड पीजीटी का मिला था, टेस्ट सीरीज मिले था, वन लाइनर सीरीज मिलेगी मिली थी, बहुत कुछ मिला था। ठीक है, और झारखंड पीजीटी का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन रहा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का। तो इसी तरह से झारखंड पीजीटी जो सहायक प्रशिक्षित आचार्य की भर्ती निकली हुई है उसमें इतिहास का पोर्शन मैं पूरा तरह से कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये 60 नंबर का इतिहास आपका आएगा, 60 नंबर का इतिहास आएगा, और इसको मैं 100% कंप्लीट कराने वाला हूँ। और यह बात है, मैं ऑनलाइन आप लोग ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को के मटेरियल को फॉलो कर लिए, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का जो भी मटेरियल है, चाहे वो टेस्ट मटेरियल हो, चाहे वन लाइनर सीरीज का मटेरियल हो, चाहे आपका वीडियो लेक्चर हो, टेस्ट सीरीज, जो कुछ भी हो, अगर आप लोग उसे 100% फॉलो करते हैं तो 100% बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। तो आइए, सहायक प्रशिक्षित आचार्य की यह जो भर्ती है इसमें इतिहास का जो सिलेबस है वो आप लोग को बता रहा हूँ। हालांकि सिलेबस से आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, आपको पता है कि 60 नंबर हिस्ट्री का, 60 नंबर ज्योग्राफी का, 60 नंबर पॉलिटिकल साइंस का, 60 नंबर इकोनॉमी का, मैं कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट में से केवल 3 सब्जेक्ट आपको तीन तीन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, चूज करने होंगे, जिसमें आपका इतिहास का जो पोर्शन रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। तो इसी 60 नंबर के इतिहास की रणनीति के तहत यह सिलेबस आप लोग को बता रहा हूँ, और इसकी पूरी क्लास चलेंगी। मैं इसका पूरा वन लाइनर सीरीज देने वाला हूँ, इसकी पूरी टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ, इसका पूरा नोट्स देने वाला हूँ। यह भी आपको बता दूँ, इसका पूरा नोट्स मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो जो लोग टीजीटी सहायक प्रशिक्षित आचार्य हिस्ट्री की क्लास लेना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फीस है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसकी जो फीस है केवल 399 रखी गई है, 399 इसकी फीस रखी गई है, और इसी में आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, ठीक है, इसके स्रोत बताया गया है, मतलब आप इमारतें, मुद्राएं, सिक्के, विदेशियों के विवरण, यही सब तो भारतीय इतिहास के स्रोत है। तो इसके बारे में मैं पूरा बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आप लोग को एकदम A to Z जबरदस्त नोट्स भी आप लोग को दूंगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा क्या है, मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, और मौर्य वंश के जो दो बड़ी शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए विक्रमादित्य की उपलब्धियां, विक्रमादित्य किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, इनकी उपलब्धियां, ठीक है, समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां क्या है भाई, इन्होंने बहुत सारे साम्राज्य, उन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना भी की थी, तथा इनकी इनके समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो क्लासिकल परिवर्तन हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हर्षवर्धन है, फिर अरबों का सिंध आक्रमण, अरबों का जो सिंध आक्रमण हुआ था क्या कारण हुए, क्या परिणाम उसके निकले। ठीक है, विजयनगर की स्थापना के बारे में पढ़ना है, बाबर की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है कि बाबर ने, बाबर का जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, यही बाबर की उपलब्धियां थे। ठीक है, और इसमें सभी उसमें सभी में हुआ जीत हासिल किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए शेर शाह का शासन और प्रबंध, शेर शाह का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है, अकबर एवं राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है, मगध मुगल साम्राज्य के पतन का कारण के बारे में पढ़ना है, शिवाजी का शासन प्रबंध, औरंगजेब। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर मैंने यहाँ से जो भी मैं नोट्स दूंगा, जो भी टेस्ट दूंगा, अगर आप उसे 100% फॉलो कर लिए तो 100% बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेगा। मैं एक एक नोट्स आप लोग को देने वाला हूँ, एक एक टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। ठीक है,
और बहुत ही बढ़िया आप लोग को परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी लोग लेना चाहेंगे ले सकते हैं। अब देखिए द्वितीय खंड वाले सिलेबस में क्या है, अब द्वितीय खंड में आपका पूरा पूरा आधुनिक इतिहास है, प्लासी और बक्सर का युद्ध कारण परिणाम और महत्व। प्लासी और बक्सर का युद्ध इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स मैं आप लोग को दूंगा कि अगर 10 प्रश्न भी आ गए तो यहीं से आएंगे और 2 प्रश्न भी आ गए तो यहीं से आएंगे, यह दावा सिर्फ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का सकता है, ठीक है, बाकी लोग नहीं करेंगे। अभी अभी झारखंड पीजीटी का एग्जाम हुआ था, 100% बेहतरीन परिणाम लोगों को देखने को मिला जो भी लोग हमारी सीरीज से जुड़े हुए थे। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी, फिर 1857 की क्रांति कारण और परिणाम, यह पर सिलेबस है। फिर राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राज क्रांति, कारण कार्य और परिणाम, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान कैसे हुआ, कैसे पतन हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए प्रथम विश्व युद्ध कारण और परिणाम, ठीक है। फिर आपका 1917 की रूसी क्रांति कारण और परिणाम, फिर द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम, यह आपको पढ़ना है। तो देखिए बहुत ही हमारे ख्याल से ये सिलेबस जो है ना बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है और जबरदस्त है, बहुत ही लिमिटेड है जबरदस्त है, और इसमें जो हमारा मटेरियल होगा ना वो भी आपका जबरदस्त होगा। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए जैसे TGT सहायक प्रशिक्षित आचार्य हिस्ट्री, देखिए मैं आप लोगों को फिर बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास को ही कवर कराऊंगा, मैं सिविक्स पॉलिटिकल साइंस आदि को मैं नहीं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, केवल इतिहास को ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसकी फीस आपका 399 है, इसकी फीस है, ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को इसी में मिलेगी, इसी में आपको नोट्स भी मिलेगा, इसी में वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, और इसी में आप लोग को MCQ भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे, केवल 399 है, ठीक है, इसकी फीस। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, और अभी आपको बताया हूँ ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397206। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को यह PDF टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।